हाय एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू करंट एलिमेंट। इससे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड तो हम एक्सप्लेन कर चुके थे, कुछ बहुत चीजें रह चुकी है उसमें, उसको बाद में डिटेल में हम पढ़ेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड है हम बी से डिनोट करते हैं, ये बी से डिनोट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसकी एसआई यूनिट पर बात करते हैं, बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। इसकी एसआई यूनिट होती है आपके नेक्स्ट वीडियो में, तो इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला, TESLA, जिसे हम T से डिनोट करते हैं, SI यूनिट टेस्ला। इसी को हम कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, या ये पढ़ सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी कहते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, ये तो है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट कितनी होती है। और इसके अलावा हम जानते हैं सीजीएस यूनिट क्या होती है, इसकी सीजीएस यूनिट होती है गॉस होती है, जिसे जी ए यू एस एस लिखते हैं, जी ए यू एस एस। तो इसके बीच लेसन वन टेस्ला, टेस्ला इज इक्वल टू आपका होता है 10^4 गॉस। ठीक है, इसका यूज करेंगे, बहरहाल आप इतना माइंड में रखिए और अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू क्या करंट एलिमेंट्स या बायो सावर्ट रूल्स। ये बायो सावर्ट रूल क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है आपका, प्रिडिक्टेड बाय बायो सावर्ट, बायो एंड सावर्ट ये साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसियन साइंटिस्ट थे। दिस लॉ क्या डील से क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शंस, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शंस एट ए पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट्स के कारण क्या करता है इसके। देखो क्या है, एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये क्या है आपका गोई, एक मिनट, ये क्या है आपका गोई, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये क्या है आपका, ये क्या है कोई कंडक्टर है। ठीक है, तो ये क्या है, सपोज एक्स वाई क्या है आपका कोई कंडक्टर है, स्टेट कैरिंग कंडक्टर। हम इससे पहले भी और स्टेट एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं, जो स्टेट कैरिंग क्या होती है कंडक्टर होता है आपका, वो क्या करता है कंसेंट्रिक सर्किल समय क्या करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर रहा है। एक्स वाई क्या है करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज इसमें क्या हो रही है आपकी आई करंट क्या हो रही है आपकी फ्लो हो रही है, आई करंट क्या हो रही है फ्लो हो रही है। और कोई हम इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल करंट सेगमेंट एलिमेंट भी कहते हैं हम, ऑफ द कंडक्टर, कोई कंडक्टर लेते हैं स्मॉल सेगमेंट, इसकी बात कर रहा हूं मैं कि स्मॉल सेगमेंट क्या है, सपोज इतना स्मॉल सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ये क्या है छोटा सा सेगमेंट है। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है आपकी, जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो स्मॉल करंट सेगमेंट की बात करते हैं, तो इसे आइडियल बोलेंगे हम, स्मॉल करंट सेगमेंट। और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने हैं किसी पॉइंट पर, ये तो कैसे होंगे कंसेंट्रिक सर्किल्स में क्या होंगे, इससे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होंगे, क्योंकि ऑर्स्टेट ने क्या बताया था, जो स्टेट कंडक्टर होता है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, यानी कंसेंट्रिक सर्किल्स में क्या होता है क्रिएट होता है। तो पी पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, सपोज इस पी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये पी पॉइंट है, यहां पर हमें इस सेगमेंट के कारण हमें क्या करना है, एलिमेंट के कारण क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पी पॉइंट पर। इस सेगमेंट से सपोज क्या है आपकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है आपकी आर डिस्टेंस, पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो छोटा सा सेगमेंट है, तो स्मॉल अमाउंट में क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, डी भी क्या होगा छोटे से अमाउंट में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड है। ये आइडियल जो है आपका क्या है करंट एलिमेंट कहेगा, ये स्मॉल सेगमेंट है और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो आइडियल क्या होगा आपका करंट सेगमेंट कहलाएगा।
ठीक है, ये क्रेंट सेगमेंट्स। अगर हम यहां पर क्या करते हैं, कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहां पर, ये है टेंजेंट्स। टेंजेंट ड्रॉ किया तो इसका जो एंगल है कुछ इस टाइप का ही है। सपोज ये क्या है आपका थीटा है, ये आपका क्या है क्रेंट, एलिमेंट की बात है, ये है आपकी क्रेंट एलिमेंट, ठीक है। ये थीटा क्या है आपका एंगल है, कहां से है? ये एंगल है ये जो हमने यहां पर एक सॉरी क्या ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर सॉरी टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बायोसॉल्ट रूल से हम पी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो वहां पर हमने पढ़ा था क्या, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था कि कंसेंट्रिक सर्कल्स में वहां तक पोल नहीं होते, कुछ रूल पढ़े थे। तो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगी, वो डायरेक्शन, सपोज ये डायरेक्शन कंसेंट्रिक सर्कल्स में हमने यूज किया था, थ्री रूल्स पढ़े थे। तो यहां पर जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, प्लेन्स के क्या जो कागज है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी प्लेन के वर्टिकल्स नीचे की ओर है, तो उसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इस बोर्ड के क्या है, ऐसे अंदर की ओर है। अगर कहीं कहीं डॉट दिखता है आपका, तो वही क्या है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड्स। कुछ चीजें ये क्या है, अगर क्रॉस दिख रहा हूं मैं, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे होगा अंदर की ओर, ये ऐसे होगा, एक करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रही है तो ये अंदर की ओर होगा, तो ये क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगा, तो इसको लंबवत क्रॉस शो करते हैं। अगर ये बाहर की ओर होता है तो डॉट से हम क्या करते हैं, शो करते हैं। तो डीबी पर पी पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, डीबी चाहिए, स्मॉल सेगमेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग करंट एलिमेंट डिपेंड्स किस पर डिपेंड करता है आपका, सपोज इसका क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, बाय अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट रूल्स डीबी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। आई क्या है, इस करंट एलिमेंट्स में, इस एलिमेंट में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यानी स्टेट कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, कंडक्टर में कितनी हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट रूल्स डीबी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, करंट एलिमेंट्स, ये करंट एलिमेंट्स है आई। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड्स करंट के सेकंड पार्ट है, इसी रूल के अकॉर्डिंग डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीएस करंट, ये एलिमेंट सेगमेंट कहलाता है आपका, यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में छोटा सा सेगमेंट ले रखा है, तो डीबी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल होगा। नेक्स्ट बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग डीबी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल्स बिटवीन लेंथ ऑफ द एलिमेंट्स एंड लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, ये इस टेंजेंट के बीच में क्या है, डीबी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। नेक्स्ट है डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेगमेंट एंड पॉइंट, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड पॉइंट, ठीक है। तो दिस रिलेशन, तो यहां से जो रिलेशन आता है, तो डीबी क्या होगा आपका, डीबी क्या होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये रिलेशन बायो सावर्ट रिलेशन कहलाता है। अगर दिस रिलेशन इज कॉल्ड बायो सावर्ट रूल्स, ठीक है। तो इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एयर, अगर हम कंडक्टर को प्लेस करते हैं एयर या वैक्यूम की बात करते हैं, अगर ये कंडक्टर का है एयर या वैक्यूम में, तो उस टाइम्स ये प्रोपोर्शनलिटी साइन डीबी इज इक्वल टू सॉरी
इक्वल टू क्या म्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई या इसे के भी पढ़ सकते हैं हम इनटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर कब जब ये कंडक्टर हम कहां प्लेस करते हैं एयर या वैक्यूम में तो वहां पर डी बी इक्वल टू या इसको के भी क्या लिख सकते हैं के इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो क्या है एक कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है आपका कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10^-7 ठीक है तो k की वैल्यू क्या होती है 10^ यानी म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा आपका यहां से म्यू नॉट इज इक्वल टू ये आता है आपका 4 पाई इंटू इसकी वैल्यू जो होती है आपकी क्या होती है 4 पाई इंटू 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर क्या होगी इसकी यूनिट होगी ठीक है या वेबर पर एम्पियर मीटर ये मैं लिख रहा हूं वेबर पर एम्पियर मीटर अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कब जब हमने ये कंडक्टर कहां प्लेस किया एयर या वैक्यूम में तो उस टाइम पी पॉइंट पर क्या आए मैग्नेटिक फील्ड्स इतना आए किसके कारण इस सेगमेंट के कारण इस एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर इतना आया अब देखिए इसको हम क्या करते हैं ये म्यू नॉट को एक्सप्लेन क्या है म्यू नॉट वेयर जो म्यू नॉट है ये म्यू नॉट यहां पर टर्म्स आया है एज एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था हमने वैसी म्यू नॉट भी है म्यू नॉट क्या है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जैसे हमने वहां पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट फाइंड किया था वैसे ही म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है आपकी 4 पाई इंटू इसकी वैल्यू होती है आपकी 4 पाई इंटू 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर अब इसकी यूनिट कैसे फाइंड की होगी हमने देखिए इसकी टेस्ला है देखो यहां से म्यू नॉट ये म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा आपका म्यू नॉट इज इक्वल टू डीबी म्यू नॉट इज इक्वल टू डीबी आर स्क्वायर 4 पाई अपॉन आई डी एल साइन थीटा देखो म्यू नॉट की बात डीबी की क्या होती है टेस्ला होती है इसकी टेस्ला मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा हूं इसकी मीटर स्क्वायर ये कांस्टेंट्स और ये आइडियल्स आई की एम्पियर और डीएल की मीटर तो ये क्या होगा टेस्ला मीटर ये टेस्ला मीटर पर एम्पियर ऐसे क्या आ रही है इसकी यूनिट आ रही है वेबर के टर्म्स में हम लिख सकते हैं वेबर पर एम्पियर मीटर ये तो है आपकी क्या परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं देखो म्यू इज इक्वल टू अभी लिखा था म्यू नॉट इक्वल टू डीबी इंटू 4 पाई इंटू आर आर स्क्वायर अपॉन क्या आई डी एल साइन थीटा लिख सकते हैं अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं डीबी का क्या होता है थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं डीबी का होता है MT-2 A-1 इंटू आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर आई को लिख सकते हैं ए डी एल को लिख सकते हैं एल आई को लिख सकते हैं MT-2 A-1 एल स्क्वायर ए एल्स तो ए एल से ए एल कैंसिल आउट हुआ तो ये ए ऊपर गया तो ये क्या होगा एम एल एक एल बचा ये T-2 A-2 ये क्या होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसका एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ
थ्री स्पेस, ये क्या होगी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। इसके अलावा हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो ये तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, दोबारा लिख दे रहा हूं बायो सावर्ट रिलेशन में क्या होगा। बायो सावर्ट रिलेशन डीवी क्या इज इक्वल टू डीबी इज इक्वल टू, ये बायो सावर्ट रूल है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है आपका बायो सावर्ट लॉ। अगर हम इसको किसमें लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा इसका वेक्टर फॉर्म। देखो क्या है dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई idl अपॉन r स्क्वायर। देखो यहां पर r क्या है, ये dl क्या है आपका ग्रैंड सेगमेंट या एलिमेंट है, ये क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है आपकी, छोटा सा सेगमेंट लिया था हमने, ये क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा ये r क्या है, डिस्टेंस है सेगमेंट तक की, इसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं इसकी डायरेक्शंस में, यानी ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी r कैप के रूप में होगी। यानी जो dv जो वेक्टर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसकी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा इनटू r कैप अपॉन r स्क्वायर। आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर लिख सकते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, छोटा सा सेगमेंट है जैसे डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। और ये क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम जानते हैं आर कैप इक्वल टू वेक्टर अपॉन आर होता है, तो ये क्या होगा डीबी इज इक्वल टू, ये डीएल हो गया, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आई डी एल आई डी एल साइन थीटा आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है ये क्या लिख सकते हैं डीबी अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहां पर देखिए इसमें आर डी एल साइन थीटा लिख देते हैं, आर डी एल साइन थीटा या डी एल आर साइन थीटा लिख देते हैं, डी एल आर साइन थीटा लिख सकते हैं ऐसा अपॉन आर क्यूब। अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा होगा आपने, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए बी साइन थीटा, ये क्या है आपका, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। तो डी बी वैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या होगा डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये क्या होंगे वैक्टर फॉर्म होंगे। क्या डी बी इज इक्वल टू क्या होगा आर डी एल डी एल इंटू आर अपॉन, सॉरी एक टर्म छूट रहा है यहां पर आई नहीं आ रहा है, ये आई I mu not pons 4 pi idl into r vector pons r cube, ये क्या है vector form है किसका bio Savart rule का vector forms, ये है db is equal to mu not pons 4 pi idl into r pons r cube, ये तो है bio Savart rule का vector forms। ठीक है bio Savart rule का vector forms ये कहलाएगा आपका। ठीक है bio Savart rule जो है आपका, देखो इस रूल को हम क्या कहते हैं लाप्लास लॉ भी कहते हैं, इसी रूल को क्या कहेंगे हम लाप्लास लॉ, इस रूल को हम क्या कहेंगे लाप्लास लॉ। ठीक है इस रूल को हम क्या कहते हैं लाप्लास लॉ या एम्पियर्स लॉ भी कहते हैं बायो सावर्ट रूल को। ये तो है इसका वेक्टर फॉर्म्स। ठीक है बायो सावर्ट रूल का वेक्टर फॉर्म। अब देखो इस रूल को हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में, करंट डेंसिटी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बायो सावर्ट लॉ इन करंट डेंसिटी। डेंसिटी देखो बायो सावर्ट रूल यह है डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा
इसको हमने बायो सावर्ट रूल में लिखना है, करंट डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम इसको? लिख सकते हैं, या इसको हमने क्या लिखा था, वेक्टर फॉर्म में लिखते थे, वेक्टर फॉर्म में कैसे क्या लिखा था हमने, डीबी इज इक्वल टू क्या लिखा था, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इनटू आर, ये आर वेक्टर में है, अपॉन आर क्यूब, ये भी लिख सकते हैं। अब करंट डेंसिटी आई इक्वल टू क्या होती है हमारी, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, सिंस जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए लिखते हैं, लिखते हैं करंट डेंसिटी जे इक्वल टू आई अपॉन ए, ए को मैंने बाहर किया 1 अपॉन ए इनटू आई को क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या लिख सकता हूं, आई को ऐसे ही रख देते हैं, मैंने इसको डीएल से मल्टीप्लाई भी किया, डीएल से डिवाइड भी कर दिया, मींस मैंने इस टर्म को डीएल से मल्टीप्लाई भी किया, डीएल से डिवाइड भी किया। देखो डीएल छोटे से सेगमेंट से डिवाइड भी किया, डीएल से मल्टीप्लाई भी किया, यहां पर आपका ये ए इंटू डीएल ये वॉल्यूम एलिमेंट बन जाता है। देखो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर मीटर क्यूब, इससे हम कहते हैं डीवी, इससे हम क्या कहेंगे डीवी, यानी आई इंटू डीएल, आई इंटू डीएल पांच डीवी, ये डीवी क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है, क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है। तो इसको हम क्या रख सकते हैं, तो I into DL is equal to cross multiply करते हैं, यहां से ये J पांच वन है, इससे इसको, तो I into DL is equal to J into DV, J क्या है यहां पर, करंट डेंसिटी है, J क्या है आपकी, करंट डेंसिटी है। तो DV is equal to हम क्या लिख सकते हैं, DV is equal to mu naught upon 4 pi, देखो आई इंटू डी एल की जगह हम जे, क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, जे क्रॉस आर ही लिखेंगे, जे क्रॉस आर इंटू डी वी वॉल्यूम अपॉन आर क्यू, ये क्या है आपकी करंट डेंसिटी के टर्म्स पर क्या है, बायो सावर्ट रूल है, वेयर जे क्या है करंट डेंसिटी, ठीक है। इसको हम अलग तरीके से, एक टर्म्स और आता है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, लेकिन हमने पढ़ रखा है उसके टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इसको हम उसी टाइम लिखेंगे। तो बायो सॉल्ट रूल इस टर्म्स में भी, करंट डेंसिटी वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है आपका, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा बायो सॉल्ट रूल क्या है, छोटे से सेगमेंट के कारण, एलिमेंट के कारण है, क्या है बायो सॉल्ट रूल, छोटे से एलिमेंट, यानी डीवी इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL upon IDL sin theta upon R square। अगर हम छोटे से सेगमेंट, टोटल पूरे सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ये पूरा सेगमेंट है, इसके खाली इसके लिए निकाला था, अगर इस पूरे के लिए निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं, टोटल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो V is equal to क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin theta upon R square, ये क्या होगा आपका टोटल पूरा कंडक्टर है, उसके कारण उस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, ठीक है। ये तो है आपका मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा इसके फीचर्स पर बात करते हैं, किसके फीचर्स पर, इसके फीचर्स ऑफ बायो सावर्ट रूल्स, फीचर्स ऑफ बायो सावर्ट लॉ, क्या फीचर है फिर इसके, पहला तो है दिस लॉ इज एनालॉग, दिस लॉ इज एनालॉग ऑफ कूलॉम्स लॉ, एनालॉग मींस उसके समतुल्य है, यानी ये कूलॉम्स लॉ के समतुल्य है, यानी कूलॉम्स जो बायो सावर्ट लॉ, यानी द लॉ ऑफ एनालॉग, किसका, कूलॉम्स लॉ, तो ये बायो सावर्ट रूल सेम क्या है, कूलॉम्स रूल के इक्विवेलेंट है, यानी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में कूलॉम्स रूल पढ़ा था, जहां पर चार्ज रेस्ट में होता है, अब जहां पर चार्ज मूवमेंट होता है, तो वहां पर सेम इसके इक्विवेलेंट क्या है आपका, ये रूल है, जैसा बायो कूलॉम्स रूल है। सेकेंड पॉइंट है आपका, इसको हम क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, इस रूल को
एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या है, बहुत छोटे से सेगमेंट के लिए यूज होता है, यानी यह रूल्स क्या होता है, छोटी लंबाई यानी छोटे एलिमेंट सेगमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहीं पर ये लागू होता है, ठीक है। ये तो है आपका क्या, इसके अलावा अगर आपका क्या है थीटा जीरो है, थीटा जीरो है, हमने क्या पढ़ा था, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आईडीएल साइन थीटा, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अगर थीटा जीरो है तो क्या होगा, उस टाइम जो पी पॉइंट होगा वो इस करंट एलिमेंट्स, करंट कैरिंग एलिमेंट पर होगा, करंट कैरिंग एलिमेंट पर होगा तो उस टाइम db इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अगर p पॉइंट्स क्या है, यहां ना होकर यहीं पर है, यानी p पॉइंट लाइज कहां, करंट कैरिंग एलिमेंट्स, देन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा आपका, जीरो होगा। इसके अलावा आपका क्या है, अगर थीटा 90 डिग्री है, सपोज आपका करंट कैरिंग एलिमेंट से वह पॉइंट जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो उस टाइम 90 डिग्री पर है, तो उस टाइम आपका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये तो है आपका क्या, फीचर्स किसके, बायो सावर्ट रूल के, ठीक है। बायो सावर्ट रूल के फीचर क्या सिमिलरिटीज है विद बायो सावर्ट रूल में, बायो सावर्ट रूल और कूलॉम्ब्स रूल में सिमिलरिटीज क्या है, क्या सिमिलर है, क्या सिमिलरिटीज है, दोनों क्या है लॉन्ग रेंज है, और इसके अलावा दोनों क्या है इनवर्सली स्क्वायर रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सिमिलरिटी है, इसको हम लिख सकते हैं। इसके अलावा एक टर्म्स आया था परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी, हमने परमिटिविटी पढ़ रखा है और परमेबिलिटी पढ़ रखी है। देखो आप परमिटिविटी और परमेबिलिटी होती क्या है, परमिटिविटी पी आर परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी परमेबिलिटी परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी, तो क्या होती है, परमिटिविटी हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पढ़ी थी, एप्साइलन नॉट पढ़ी थी फ्री स्पेस में, ठीक है। ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, हम पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में। जो परमिटिविटी है क्या है आपकी, एप्सिलॉन नॉट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो है फ्री स्पेस में। ये क्या है, डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या करती है, फिजिकल क्वांटिटी है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद मीडियम, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन डिटरमाइन करते हैं, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन डिटरमाइन करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्सिलॉन नॉट क्या है, डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ मीडियम, विथ मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और परमेबिलिटी जो हम म्यू नॉट से शो कर रहे हैं, क्या होती है म्यू नॉट, पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी, म्यू नॉट इज, ये भी क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी क्या है आपकी फिजिकल, दोनों फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या करता है आपका, मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस एक्वायर्स मैग्नेटाइजेशन, एक्वायर्स मैग्नेटाइजेशन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन की बात करता है, मैग्नेटाइजेशन सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइजेशन, कितना मैग्नेटिक फील्ड में कोई सब्सटेंस कितनी मैग्नेटाइजेशन एक्वायर करती है उसे हम कहते हैं, ये क्या होता है म्यू नॉट होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो म्यू नॉट और ये म्यू नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट है, क्या कर रखा है मैंने प्रोडक्ट किया, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अब इसको मैं क्या लिखता हूं, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ये देखो यहां पर फोर पाई से डिवाइड कर, फोर पाई से मल्टीप्लाई भी किया, फोर पाई से डिवाइड भी कर चुके हैं, क्या किया मैंने,
इसको 4 pi से मल्टीप्लाई भी किया, इसे 4 pi से डिवाइड भी किया, एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट था, तो दो 4 pi से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड किया। अगर समझ में नहीं आया तो देखो इसको मैंने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इनटू 4 pi अपॉन 4 pi लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा 4 pi एप्सिलॉन नॉट, 4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू अपॉन 4 pi हमने ऐसा लिखा, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन कितनी 9 into 10 to the power 9 म्यू नॉट अपॉन 4 pi की वैल्यू होती है 10 to the power -7। तो ये कैलकुलेट करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, ये इक्वल आता है 1/3 × 10⁸ का होल स्क्वायर के इक्वल। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/, ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी c स्क्वायर, तो ये क्या है रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस क्या है, एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट इक्वल टू 1/c स्क्वायर पूछा जाता है आपका। थैंक यू।